नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जयपुर शहर की एक बहुत अच्छी लोकेशन पर लोकेटेड है, जो कि अपने करदनी के बहुत पास में गोकुलपुरा के अंदर लोकेटेड है। JDA अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी है। 20x60 के डायमेंशन में 4 BHK 2 किचन के साथ में आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है, जो कि 133 गज के अंदर बनी हुई है। ईस्ट फेसिंग के साथ में ये प्रॉपर्टी होने वाली है। आसपास की अगर आप कॉलोनी देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको आसपास का पूरा नज़ारा दिखाई देगा। पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड कॉलोनी है, यानी कि बसावट यहाँ पर आपको आसपास में मिल जाती है पूरी। और जो प्रॉपर्टी है सच में लाजवाब प्रॉपर्टी होने वाली है। यहाँ से भी देखिए पूरी कॉलोनी, आप देखिए रोड आपको जो है डामर की रोड मिल जाती है, व्हीकल आपका बाहर भी इजीली पार्क हो जाएगा, इतना स्पेस देखिए यहाँ पर भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। भले ही ये प्रॉपर्टी 20 के फ्रंट के साथ में, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि फ्रंट और भी ज़्यादा है, 20 का फ्रंट कम नहीं होता है, बहुत अच्छा फ्रंट होता है। और प्रॉपर्टी का अगर एलिवेशन आप देखेंगे तो एलिवेशन देखिए बहुत खूबसूरत एलिवेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हमारे बहुत सारे व्यूवर ये भी डिमांड करते हैं, हमें ऐसा मकान मत दिखाइए जिसकी छतें आपस में जुड़ी हुई हों, बिल्डर ने बनाया हो और आपस में बहुत सारी छतें आपस में जुड़ी हुई हों, ऐसा मकान ना हो, सेपरेट सिंगल मकान हो वो होना चाहिए। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल करके आ जाता है, क्योंकि देखिए सिंगल मकान है और साथ ही एक 20 के फ्रंट के साथ में 4 BHK प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आपको 4 बेडरूम्स है और साथ ही 2 किचन्स मिल जाती है। तो देखते हैं हम अंदर से कैसा बना हुआ है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय समय में मिलता रहे। बाहर की साइड में अगर आप देखेंगे डोर तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है, प्रीमियम सा डोर ये देखिए, और यहीं से हो जाती है इसकी एंट्री। एंट्रेंस आपने देखा, बर्म एरिया आपने देखा, अब यहाँ पर आता है बड़ा सा पार्किंग का स्पेस जहाँ पर आपका व्हीकल इजीली पार्क हो जाएगा, बड़ी से बड़ी कार आप आराम से पार्क कर सकते हैं। स्टेयर्स आपको बाहर से दिखेगी जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर, यानी कि इसके जो है फर्स्ट फ्लोर और टेरिस तक आपको लेकर के जाती है। आपको 4 BHK प्रॉपर्टी इस प्राइस के साथ में बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर आसपास में आप ढूंढने निकलेंगे तो नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया स्पेस आपको अवेलेबल करवाया गया है, ये लोबी का स्पेस जो है, जहाँ पर आपके गमले वगैरह लगा करके इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। टाइल्स का जो काम किया गया है बाहर की साइड में वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्रॉपर हाइट तक टाइल्स दी गई है, आपको सीलन पपड़ी से रिलेवेंट कोई भी समस्या लॉन्ग टाइम तक नहीं आने वाली है। और यहाँ से जैसे ही हम लोग अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम वाटर टैंक प्रोविजन आपको दिया गया है, पानी सीवरेज सभी की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है, क्योंकि गोकुलपुरा कालवा रोड की सबसे एक अच्छी कॉलोनी है, जहाँ पर ये मकान आपको मात्र 85 लाख रुपये में मिल जाता है, जो कि JDA अप्रूव्ड मकान है और साथ ही 4 BHK मकान है। इतना प्यारा मकान है सच में, एक बार मेरे कहने पे विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक ही सिंगल ये जो है विला बनाया गया है और सिंगल विला की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉल कीजिए इस प्रॉपर्टी को अपना बनाने के लिए। सामने की तरफ पे देखेंगे बड़ी सी विंडो है जहाँ से आपका प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन बना रहेगा। मकान की हाइट काफ़ी अच्छी दी गई है जिससे कि वास्तु के हिसाब से भी सही रहता है और घर के अंदर जो हवा है नेचुरल हवा जो है आसपास होती रहती है। ये आ जाता है इसका बड़ा सा हॉल, हॉल का जो साइज है वो काफी बड़ा है, जहां पर लिविंग डाइनिंग एरिया आप दोनों सेट कर सकते हैं। ऊपर की साइड में आपको मिल जाता है इसके फुल सीलिंग का वर्क, जहां पर कॉप एंड कंसील लाइट्स वगैरह लगा करके दी गई है। बड़ा सा ये देखिए यहाँ पर आपका फैन जब लगेगा ना तो यहाँ पर अलग ही लुक आने वाला है, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी सच में काबिल तारीफ है। सामने वाली वॉल पे अगर आप देखेंगे तो रॉयल प्लेट टेक्सचर आपको करके दिया गया है, जो कि देखिए कितना प्यारा लुक दे रहा है आपकी वॉल को। और यहाँ पर इस साइड में आती है बड़ी सी किचन, किचन का जो साइज है वो काफी बड़ा साइज यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये देखिए बहुत बड़ा साइज है किचन का। और किचन की एंट्री भी काफी लाजवाब से होने वाली है, यहाँ पर आ जाएगा आपका बड़े से बड़ा फ्रिज, जहाँ पर आप अपना फ्रिज को इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पर मिल जाता है किचन जो कि काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में है, नीचे कैबिनेट्स आपको दिए गए हैं, ऊपर की साइड में ड्रॉर्स मिल जाती है, सामने है विंडो जहाँ से आपका सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहेगा। 4 BHK बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है और ये देखिए यहाँ पर भी काफी अच्छा स्पेस, कितना प्यारा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलूँ तो हम लोग देखेंगे इस साइड में तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से वॉश बेसिन का स्पेस, जो कि इस तरफ आपको प्रोवाइड कराया गया है। यहीं से आपका वेंटिलेशन बना रहेगा प्रॉपर और जितना भी डक्ट एरिया है वो यहीं से है, पाइपिंग वगैरह सब यहीं से है। इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहीं से आप उसे रिपेयर करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आ जाता है इसका बड़ा सा बाथरूम, बाथरूम का साइज काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको मिल जाती है इंडियन शीट और जो टाइल्स है वो भी देखिए बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा यूज किया गया है, हाइट काफी अच्छी है, सीलन पपड़ी से रिलेवेंट कोई भी समस्या नहीं आएगी और जितनी भी फिटिंग्स यहाँ पर आपको करके दी गई है सारी की सारी ब्रांडेड होने वाली है। वेंटिलेशन का स्पेस भी यहाँ पर मिल जाता है, डोर जो आप देख रहे हैं तो डोर भी यहाँ पर आपको काफी प्रीमियम क्वालिटी के साथ में मिल जाता है।
अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका पहला आगे का बेडरूम, फिर लेकर के चलूंगा पीछे वाले बेडरूम की ओर। तो ये देखिए, ये आ जाता है इसका बड़ा सा बेडरूम। बेडरूम का साइज काफी स्पेशियस है, बड़ा साइज यहाँ पर आपको दिया गया बेडरूम का, जहां पर देखिए बड़ा साइज है। तो आपके अगर घर में कोई मेहमान आते हैं, आप चाहें इस एरिया को लिविंग एरिया बनाना, तो लिविंग एरिया भी बना सकते हैं। बाकी ये जो आपको हाउस में दिखा रहा हूं ना, ये जयपुर शहर की एक बहुत अच्छी लोकेशन पर है। यहां से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर होने वाली है, और साथ ही आसपास में आपको सारे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल बहुत ही नियरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आप ग्रोसरी का आइटम वगैरह कुछ करना चाहते हैं परचेज, तो पास में ही डीमार्ट भी है, तो डीमार्ट से बहुत पास में ये प्रॉपर्टी होने वाली है। ऊपर की साइड में अगर आप देख रहे हो तो वहां पर आपको फुल सीलिंग का वर्क है, जहां पर कॉप एंड कंसील लाइट वगैरह लगा करके दी गई है। सामने वाली विंडो के ऊपर आप वॉल के ऊपर आपको मिल जाती है बड़ी सी विंडो, जहां से आपका प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन बना रहेगा। देखिए, घर के अंदर नेचुरल लाइट का आना बेहद जरूरी है एज अ वास्तु के हिसाब से भी। अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा पीछे वाले बेडरूम की ओर, जो कि इसका सेकंड बेडरूम है। फिर मैं आपको टूर कराऊंगा इसके फर्स्ट फ्लोर का, वहां पर भी आपको 2 बेडरूम्स और साथ ही बड़ी सी एक किचन मिल जाती है। अगर आप भी हैं, 2 भाई चाहते हैं साथ में रहना, तो भी काफी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई नीचे वाले पोर्शन को तो हम रेंट आउट कर दें और ऊपर वाले पोर्शन पे हम रहें, तो भी पॉसिबल है। और आराम से 10 से 12 हजार रुपये रेंट आपको मिल जाएगा, इतनी अच्छी लोकेशन पर ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है बेडरूम, जो कि इसका सेकंड बेडरूम है। एज इट इज जैसे नीचे बना हुआ है, एज इट इज ऐसा जैसा इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी है। ऐसी प्रॉपर्टी पूरे के पूरे आपको मैं कह दूं करदनी के आसपास में नहीं मिलेगी इस प्राइस के साथ में। और साथ ही जिस जगह पर मैं दिखा रहा हूँ उसके आसपास में भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि एक सिंगल विला हम लोगों ने रेडी किया है, और वो भी मात्र 85 लाख रुपए में, वो भी 80% लोगों के साथ में। सामने की इस वॉल पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बड़ा सा विंडो, जहां से सनलाइट और वेंटिलेशन होगा। इस तरफ देखेंगे तो वार्डरोब है, वार्डरोब हमें बहुत जरूरी होता है, जो कि हर रूम के साथ में है। स्पेस आप देख रहे हैं, काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर इस रूम का आपको मिल जाता है। पीछे है इसके बैकयार्ड का एरिया, जहां पर कि आप चाहे वॉशिंग एरिया की तरह, स्टोर रूम की तरह जगह को यूज में ले सकते हैं। तो ये आ जाता है इसके बैकयार्ड का एरिया। देखिए, पीछे टैब लगा करके दिया गया है, और उस साइड में आपको रैक्स बना करके दी गई है, कोई सामान वगैरह रखना चाहे तो वो भी आप इजीली रख पाएंगे। रूम के साथ में अटैच बाथरूम भी आपको मिल जाता है, जो कि इस तरफ आपको प्रोवाइड कराया गया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आ जाता है ये इसका बाथरूम। साइज काफी यहाँ पर भी स्पेशियस है, जहां पर आपको वॉश बेसिन है, वेंटिलेशन का ऑप्शन है, वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है, और कुछ टैब्स वगैरह लगनी बाकी है, वो आपको लगा करके दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेज या विजिट करना, तो कॉल कीजिए, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी प्रॉपर्टी आपको फिर देखने को नहीं मिलने वाली, ये मैं दावा कर सकता हूँ, वो भी मात्र 85 लाख रुपए में, JD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, जो कि 133 गज के अंदर बनी हुई है। तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर कैसा होने वाला है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से एक्साइटमेंट के साथ में मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, उसी एक्साइटमेंट के साथ में अगर आप कॉल करेंगे ना, तो सच में एक स्टेप अपने घर की ओर बढ़ जाएंगे, अपने सपने की घर की ओर बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कॉल कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में है, और चाहते हैं इसकी रील्स फोटोज वगैरह देखना, तो भी आप कॉल कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और या फिर हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर सामने की साइड में फिक्स ग्लास के साथ में इसे कवर किया गया है। अभी जैसा आपने नीचे देखा एज इट इज, वैसा का वैसा इसके फर्स्ट फ्लोर पर है। 4 BHK प्रॉपर्टी है, 85 लाख रुपए डिमांड है, 133 गज के अंदर बनी हुई है। यह है इसकी एंट्री, बड़ी सी एंट्री और बड़ा सा हॉल। ये देखिए, बड़ा हॉल है। ऊपर की साइड में आप देखिए फुल सीलिंग का वर्क है, बिल्कुल डिफरेंट। यहां पर आ जाता है वॉश बेसिन, जो कि कुछ इस तरीके से है। इस साइड में मिल जाता है आपको कॉमन बाथरूम। यहां से हम देखेंगे इस तरफ तो यहां पर है बड़ी सी किचन। किचन का साइज काफी बढ़िया आपको दिया गया है। सामने आपको मिल जाती है विंडो सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए, एज इट इज जैसे नीचे था एज इट इज ऊपर की साइड में है। अभी आप देख रहे होंगे कि साइज सच में बहुत स्पेशियस है, क्योंकि 133 गज के अंदर 4 BHK प्रॉपर्टी है मात्र 85 लाख रुपए में। तो देख लेते हैं इसका थर्ड बेडरूम। बेडरूम का साइज यहाँ पर भी काफी स्पेशियस, बड़ा साइज है। सामने आपको मिल जाता है वार्डरोब, देखिए कुछ इस तरीके से। ऊपर की साइड पे फुल सीलिंग का वर्क है, जिसमें कॉप एंड कंसील लाइट है। कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल वॉल के साथ में आपको जो है कलर कॉम्बिनेट करते हुए दिया गया है। इस तरफ देखेंगे अटैच बाथरूम आपको दिया गया है। पीछे बैकयार्ड का एरिया आपको मिल जाता है रूम के साथ में। ये काफी एक अच्छी चीज है कि आपका वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहेगा। सामने देखिए इस तरफ, यहाँ पर आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया कुछ इस तरीके से। और सामने ये देखिए कुछ इस तरीके से रैक्स है, जहां पर आपका जो भी सामान वगैरह रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। पीछे की तरफ पे आपको लेकर के चलूँ तो हम लोग देखेंगे इसका फोर्थ बेडरूम। बेडरूम का साइज काफी अच्छा होने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और
ये है इसका फोर्थ बेडरूम। बेडरूम के सभी के साइजेस काफी स्पेशियस है। बालकनी भी दिखाऊंगा, बालकनी का साइज काफी अच्छा दिया गया है। ऊपर की तरफ देखिए, वहां पर आपको फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है, जहां पर कॉप एंड कंसील लाइट है। एसी के सेपरेट पॉइंट उन सभी जगहों पर है जिन जगह पर की नीड है। सामने आप देखिए, यहाँ पर रॉयल टेक्सचर पेंट आपको करके दिया गया है। इस तरफ आ जाती है बड़ी बालकनी, जो कि लगभग 5 फीट की बड़ी बालकनी आपको मिल रही है। ये देखिए, बड़ी बालकनी आपको मिल रही है कुछ इस तरीके से। आसपास का एक बार कॉलोनी का व्यू देखिए कैसा होने वाला है। पूरी तरीके से बिल्कुल पीसफुल एरिया होने वाला है और एक अच्छी लोकेशन पर लोकेटेड है, जो कि अपने गोकुलपुरा के अंदर है, करदनी के बहुत पास में होने वाला है। डीमार्ट यहाँ से बहुत नजदीक है। अगर आप चाहते हैं इस 133 गज में बनी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाना, तो कॉल कीजिए, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राइस है इसका 85 लाख रुपए, 80% लोनेबल ये प्रॉपर्टी है, जो कि ईस्ट फेसिंग के साथ में है। तो आज और अभी के